एवरीवन, दिस इज़ मी समन सिमरन। वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद समन सिमरन। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ आप सबकी फेवरेट डोरा केक की रेसिपी, और ये है ओरियो डोरा केक की रेसिपी। आप देख ही सकते हो ये कितना मॉइस्ट और कितना क्रीमी लग रहा है देखने में। तो आइए देखते हैं इस डोरा केक को किस तरीके से बनाया जाता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है एक ओरिजिनल ओरियो, क्योंकि अब ओरियो में बहुत सारे वेरिएशंस आ चुके हैं तो मैं इसे मेंशन कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 10 रुपीज़ वाला पैक ले लिया था, इसमें ऑलमोस्ट 5 आपको ओरियो मिल जाते हैं। तो मैंने उसके क्रीम को निकाल लिया और जो कुकीज़ होती है उसे मैंने पाउडर के फॉर्म में तैयार कर लिया। तो वहाँ पे पाउडर बन चुकी थी, उसके बाद यहाँ पे मैंने उसे एक कटोरी में निकाल के थोड़ा सा चिल्ड मिल्क के साथ मैंने इसे मिक्स कर लिया। ऑलमोस्ट 2 से 3 बड़े चम्मच यहाँ पे मिल्क ले लिया था मैंने, और इसे हम मिक्स करके एक बैटर वाली कंसिस्टेंसी पे ले आएंगे, जैसा कि आप नॉर्मली पैनकेक बनाते हो। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेकिंग सोडा, ध्यान से सुन लेना आप लोग, इसमें मैं बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ, बेकिंग पाउडर नहीं। और इसे हम एक तरफ से फेंटेंगे ताकि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए, और ये काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है नॉनस्टिक का, इस पर मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दिया अराउंड 4 से 6 ड्रॉप्स। उसके बाद अब मैं यहाँ पे ले लूँगी एक टिश्यू और इसको मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। तो अब आप सबका क्वेश्चन होगा कि मैंने इसमें ऑयल डाला फिर ऑयल को पोंछ लिया, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमें अपने पैनकेक में एक्स्ट्रा ऑयल नहीं चाहिए और हमें अपने पैन को थोड़ा सा मॉइस्ट ग्रीस करना था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये पैनकेक का बैटर, और हमारा फ्लेम बिल्कुल मीडियम है। ध्यान रहे कि फ्लेम हमारा मीडियम ही रहना चाहिए, अगर आप इसे हाई फ्लेम पे करोगे तो ये जल जाएगा लेकिन ये अच्छे से कुक नहीं हो पाएगा। तो आप देख सकते हो बेकिंग सोडा डालने की वजह से इसमें बहुत सारे बबल्स आने लगे हैं, और यही हमारे पैनकेक का असल टेक्स्चर होता है। तो यहाँ पर मैं अब इसे पलट रही हूँ, इसमें सारा बबल्स आ चुका था तो मैं इसे पलट रही हूँ, और फ्लेम अभी भी हमारा मीडियम ही है। तकरीबन 2 से 3 मिनट का टाइम लग जाता है आपको इसे कुक करने के लिए। तो अब ये कुक हो चुकी है, मैं इसे निकाल रही हूँ, और यहाँ पे मैंने ओरियो की जो क्रीम्स थे उसे निकाल के रख लिया था। तो अब मैं इसे डाल रही हूँ इसके ऊपर और अच्छे से सेट कर लें। यहाँ पे मैं 10 रुपये वाले पैक से सिर्फ एक ही पैनकेक बना पाई हूँ, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट था, तो आई थॉट कि चलो आप सबके साथ ये एक्सपेरिमेंट शेयर किया जाए। तो बन के तैयार है यहाँ पे ओरियो से डोरा केक की रेसिपी। ये लिटरली बहुत ज़्यादा अमेजिंग बन के तैयार हुई है, काफ़ी मॉइस्ट है और ये टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।